दोस्तों कहते हैं फिल्मी दुनिया की गलियों में सितारे वही चमकते हैं जो कड़ी मेहनत, अद्भुत कला और बेपनाह खूबसूरती से बने होते हैं। और जब हम बात करें एक ऐसी अदाकारा की जिसने भारतीय सिनेमा में सौंदर्यता और अभिनय का अनूठा संगम दिखाया, तो एक नाम हमारे जहन में जरूर आता है, जया प्रदा। नमस्कार, और आज हम करेंगे जया प्रदा जी की उन 5 शानदार फिल्मों की बात जिन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी खास जगह बनाई। और यही नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा उनकी जिंदगी से जुड़ी एक सस्पेंस भरी कहानी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। तो दोस्तों, शो के इस कारवा में देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं। जया प्रदा की 5 सबसे बेहतरीन फिल्में। 1. सरगम। सिनेमा के मंच पर पहली फिल्म जो कहर ढा गई वो थी सरगम। इसमें जया प्रदा ने एक मूक बधिर लड़की की भूमिका निभाई थी, लेकिन उनकी आंखों और हाव भाव ने जो भावनाओं का समंदर बहाया वो क्या गजब था। दोस्त, इस फिल्म में उनकी मासूमियत और बेहतरीन नृत्य ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। सरगम की कहानी इतनी दिलचस्प थी कि इसे कोई भुला नहीं सका और संगीत ने इसे और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 2. कामचोर। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने जया प्रदा और ऋषि कपूर की जोड़ी को अमर कर दिया, कामचोर। इस फिल्म में उन्होंने एक सीधी सादी लेकिन दिल को छू लेने वाली नायिका की भूमिका निभाई, और साहब उनकी सादगी ने सभी के दिलों में जगह बना ली। उनकी एक्टिंग का जादू और राजेश रोशन का संगीत इस फिल्म को एक आइकॉनिक हिट बना गया। 3. शराबी। अमिताभ बच्चन के साथ शराबी में जया प्रदा ने जो दमदार भूमिका निभाई वो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। इस फिल्म में उनकी परिपक्वता और गंभीरता ने सिनेमा प्रेमियों को आश्चर्यचकित कर दिया। शराबी में एक सशक्त नायिका का किरदार निभाकर उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 4. संजोग। फिर आई फिल्म संजोग। एक माँ बेटी की जटिल भावनाओं की यह कहानी थी जिसमें जया प्रदा ने दोहरी भूमिका निभाई। यह उनके करियर की सबसे चैलेंजिंग फिल्मों में से एक थी और साहब उन्होंने इसे जिस तरह निभाया वो काबिले तारीफ था। संजोग ने दिखाया कि वो सिर्फ खूबसूरती की मूरत नहीं है बल्कि उनके पास अद्भुत अभिनय प्रतिभा भी है। 5. तूफान। अमिताभ बच्चन के साथ एक और सुपरहिट तूफान। इस फिल्म में जया प्रदा का किरदार रोमांच, एक्शन और ड्रामा से भरपूर था। फिल्म की कहानी भले ही अमिताभ के किरदार के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन जया प्रदा ने अपनी अदाकारी से इसे 4 चांद लगा दिए। साहब, जया प्रदा का ये करियर में एक और मील का पत्थर साबित हुआ, और अब दोस्तों वो हिस्सा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बात करें उस अनसुने किस्से की जिसने जया प्रदा की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाया। दोस्तों, 1986 की बात है जब जया प्रदा अपनी सफलता की बुलंदियों पर थी। उनके पास एक के बाद एक फिल्में आ रही थी और फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम तेजी से ऊपर जा रहा था। मगर एक दिन अचानक एक खबर ने उनके चाहने वालों को चौंका दिया। जया प्रदा ने फिल्मी दुनिया से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि इस ब्रेक के पीछे एक बड़ा सस्पेंस छिपा हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा थी कि जया प्रदा को एक ऐसा ऑफर मिला था जो उनकी जिंदगी को बदल सकता था, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ मामला था जो उनके फिल्मी करियर को खत्म भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों, जया प्रदा ने बहुत सोच समझ कर इस ऑफर को ठुकरा दिया और अपने फिल्मी करियर को प्राथमिकता दी। ये उनके लिए एक बड़ा मोड़ था क्योंकि उनके इस फैसले ने न सिर्फ उन्हें सिनेमा में एक अमिट पहचान दिलाई बल्कि उनके फैंस की नजरों में भी उनकी इज्जत बढ़ा दी। कहते हैं ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस था जिसका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। लेकिन एक बात तो तय है, जया प्रदा अपने फैसलों के लिए जानी जाती है और यही उन्हें सबसे खास बनाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जया प्रदा की उन 5 बेहतरीन फिल्मों की और उनके जीवन का वो सस्पेंस जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में बताइए कि जया प्रदा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों। मैं फिर से हाजिर होऊंगा ऐसी ही मजेदार कहानियों और रोमांचक सफर के साथ। तब तक याद रखिए, सिनेमा वो ख्वाब है जो हकीकत से भी ज्यादा रंगीन और दिलचस्प होता है।